लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। डायरेक्टर साहब, ये आदमी क्या करने वाला है? ये आदमी जो भी कर रहा है बड़ा मुश्किल का काम है। क्या होता है कि इसमें ये खेल है, इसमें पैसा है, मेडल है, लोग टीवी में सांस बंद करके देखते हैं कि आदमी कर क्या रहा है। जो लोग अपनी जान से खेलते हैं और कलाबाजी करते हैं, लोग उन्हें स्टंटमैन कहते हैं। थैंक यू। आपने आग लगाकर छलांग लगाई, डर नहीं लगा आपको? Thank you.
मैं चाहता हूं कि तू रेस में हिस्सा ना ले। तू रेस में हिस्सा लेगा तो नंबर वन आएगा, और नंबर वन सिर्फ एक है, वो हूं मैं, तेरा तो तू 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 रिया। बापू वो जो फेवरेट है ना, फेवरेट अस्पताल के अंदर अपनी जिंदगी की आखिरी रेस खेल रहा है। अब अपने इस पंजे को फेवरेट बना ले, जितना माल खाना है खा ले, अपनी उंगलियां घी में और लोगों के सर कढ़ाई में। समझ गया। तू 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 मेरा बेटा जीतेगा, पांच का भाव देता हूँ। अरे क्या बात करते थे, इसको लगा ले, लगा ले, चलो अभी लगा लो अभी। हाँ हाँ ठीक है हो जाएगा यार, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। ओके बाय, सी यू। से मार्के, हाय। हाँ जैक। यार मैंने तुझे इसलिए बुलाया कि मोटरसाइकिल रेस होने वाली है, उसके बड़े चर्चे होने जा रहे हैं, और तुम तो यार मोटरसाइकिल में इतने माहिर हो यार। आजकल खेल में बहुत पैसा है, जीत के पैसों से जिम्नेशियम का सुधार भी हो जाएगा, और अपने इस अखाड़े का नाम यूं पहलवानो। व्हाई नॉट राइट यार, मुझे मालूम था कि तू ना नहीं बोलेगा। काफी ब्रदर, ये कार्बोरेटर हमारी कंपनी में बनते हैं, इसी के पब्लिसिटी के लिए मुझे खुद आप लोगों की होने वाली मोटरसाइकिल रेस में हिस्सा लेना पड़ेगा। लेकिन मिस्टर विजय, आप ये रिस्क क्यों लेना चाहते हैं जबकि हमारे पास ट्रेंड रेसर्स हैं? आप फिक्र ना करें, मैं भी ट्रेंड हूं, और अपने प्रोडक्ट के स्पॉन्सरशिप के लिए मैं खुद मैदान में उतरूंगा। नमस्कार। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये आपसे आखिरी बार मिलना चाहते थे। मैंने कल ही आपसे साफ साफ लफ्जों में कह दिया था कि मैं इनसे कोई डील नहीं करना चाहती। आप लोग बैठिए, मैं समझा के आता हूँ। मुझ में और डैडी में थोड़ा सा फर्क है, डैडी बहुत सी बातें दरगुजर कर देते थे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन बेईमानी नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैडम मैं तो आपका कमाल कर रही हैं आप। विजय कहाँ है? मोटरसाइकिल रेस मैं जीत कर ही रहूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये क्या पागलपन है, तुम क्यों रेस में हिस्सा ले रहे हो? कम ऑन रीना, बी अ स्पोर्ट, तुम जानते हो मोटरसाइकिल रेसिंग मेरी हॉबी है। प्लीज। डैडी की मौत भी तो एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। आई नो। मम्मी को इस बात का पता चल गया तो कितनी परेशान होंगी, तुमने सोचा है? रीना माँ को तुम्हें मनाना होगा, प्लीज फॉर लास्ट टाइम, जस्ट दिस वन टाइम, प्लीज मम्मी को पटा लो मेरे लिए, प्लीज। यू प्रॉमिस दिस इज द लास्ट टाइम? आई प्रॉमिस मेरी प्यारी बहना, आई प्रॉमिस। इसके बाद तुम कभी रेस में हिस्सा नहीं लोगे? आज की इस मोटरसाइकिल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जाबाज हैं नंबर 3 मोटरसाइकिल पे मिस्टर विजय, और नंबर 7 पर हैं जाबाज मोटरसाइकिलिस्ट बजरंग तिवारी। नंबर 5 मोटरसाइकिल पर हैं जो लगातार 3 साल से विजयी होते रहे हैं, मिस्टर रूप कुमार। नंबर 8 पे हैं मिस्टर रिचर्ड। 9 नंबर मोटरसाइकिल पर हैं मिस्टर निजाम मोहम्मद। अब थोड़ी ही देर में ये मोटरसाइकिल रेस शुरू होने वाली है, आप सब अपनी अपनी जगह बैठ जाइए, प्लीज बी सीटेड। नाउ
हाय रीना, गुड लक। टेंशन हो रही क्या? भाई जीतेगा हारेगा ट्रॉफी तो अपने ही घर जाएगी। मैं भी जीत कर लौटता हूँ। टेक केयर। नंबर पांच, नंबर पांच। नंबर पांच इस समय सबसे आगे है। कमान बेटा, कमान रूम, कमान में है। नंबर पांच, नंबर सात भी उनके पीछे है। अब देखिए सबसे आगे कौन जाता है। अभी भी नंबर पांच सबसे आगे है। नंबर तीन, नंबर तीन भी पूरी कोशिश में है। कमान, अब नंबर कमान, नंबर सात भी आगे। कमान रूम, अरे बहुत पैसा लगा तेरा बना चले। इस समय सबको लीड कर रहे हैं। अब वो आगे आगे बढ़ रहे हैं। पक्का ब्रू, बरसात की कोशिश है। पक्का नंबर सात आइए। कमान रूम, नंबर सात आगे। कमान, नंबर पांच, नंबर तीन आगे बढ़ रहे हैं। अरे देख मैं कितने पैसे जीता हूँ। हाँ मिस्टर बजरंग तिवारी को गोल्ड मेडल अपने हाथों से पहनाएंगे। मिस्टर बजरंग, आप अपनी इस खुशी के मौके पर दो शब्द जरूर कहें। दोस्तों, ये चुप रहे, बजरंग भाई बोल रहे हैं। आज मेरा दिन था, मैं जीता। कल कोई और जीतेगा उसका दिन होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिस्टर बजरंग तिवारी। यो मेरे यार, गिव हिम ए बिग हैंड। अरे जियो मेरे शेर, जियो। रॉकी, हम लोग बर्बाद हो गए। बहुत पैसा लगा था लोगों का हम पर। तेरा बाप बर्बाद हो गया, अब समझ नहीं आता क्या होगा। चल बे, आउट। अरे बजरंग, आज भाभी को बोल के बिरयानी बनवाता हूँ। विजय, आज मैंने चैंपियनशिप रेस के लिए पार्टी रखी हुई है। मैं चाहता हूँ कि तुम पार्टी में जरूर आओ। प्लीज, यू मस्ट। हाँ, बजरंग आएगा, जरूर आएगा बजरंग। ओके विजय, ये जरूर आएगा। बाय बाय। वैसे आप रहते किधर है? सी यू, बाय। अरे रुक, थोड़ा जी पैसा निकालो, तुम्हारा बेटा तो हार गया है। अरे दे दूंगा। अरे कहीं कहीं भैया, अभी चाहिए हमको। हार गया, दे दो भैया, अभी चाहिए। लूट गया, बर्बाद हो गया मैं। बे मुझे तो तुम लोग जाता कहा है? अंकल, मैंने क्या किया? मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया तूने। उठो, तू तू कहा? अरे मुझे तैरना नहीं आता तो क्या हुआ? तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। पहले मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, बेड़ा गर्क हो गया मेरा। वहां मेरी खटिया खड़ी हो गई और तू यहां आराम से नशा करते जा रहा। अरे कर्जा चुकाने के लिए मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी, गाड़ी बंगला सब कुछ बेचना पड़ जाएगा। तेरे पंजे का क्या पंगा ले लिया माले? अरे बर्बाद हो गया हूं मैं। बाबू,
मैंने पंगा जरूर लिया था हाँ। लेकिन वो नंबर 7 काली बिल्ली की तरह मेरे रास्ते के आगे आ गया। तुरिया These are my executives, Mr. Gupta, Mr. Malhotra. Hi, how are you? Ladies and gentlemen, here comes the champ. Three cheers for the champion. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hooray! Mummy, आप कहाँ जा रही? अरे आज मुझे किटी पार्टी में जाना है ना? याद नहीं? तुम लोग पार्टी एंजॉय करो, ओके? अच्छा बाय। We open the champagne in the honor of the champ. Yes. ओ भाई चैंपियन पर आज इतने मजा ही आ गया। बल्ले बल्ले। मैं ठीक हूँ आप कुछ लीजिए ना भाई मैं तो ये ले रहा हूँ अच्छा आप भी लीजिए थैंक यू हे देस रीना तुम रीना से मिले हो माय सिस्टर कम रीना हैव यू मेट द चैंप बजरंग हेलो तुम जानते हो मैंने क्या सोचा था मैं रेस आराम से जीत जाऊंगा दिस मैन ही प्रैक्टिकली डिस्ट्रॉयड एवरीबॉडी इज गुड ओ विजय भाऊ तू इधर आओ ए होता है जी किसी ऐसी ही पार्टी में दो अनजाने लोग एक दूसरे से मिलते हैं और जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के साथी बन जाते हैं नया जीवन शुरू होता है एक नई कहानी जन्म देती है एक नया सफर शुरू होता है जी अजी मैं चलता हूं भाई बच्चन रुक जाओ यार किसी को टाइम दिया चलता हूँ मोटरसाइकिल तो पंचर हो गई ओह नो कोई बात नहीं बजरंग मेरा ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा बाइक कल ले लेना ओके विजय कम ओके देख लो मुझको पल के उठा के
दीवानगी का मेरे भी सपने देखती हूँ। शादी करेगी विधवा होने में उतनी ही देर लगेगी कितनी इसको छलांग लगाने में। अच्छा हुआ, चल बोनेट बंद कर। ओके ओके भाई, ऑल ओके ना? सब फर्स्ट क्लास एकदम। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट भाई। गुड लक, गुड लक। ये बच्चे पैसे कमाने के लिए नए नए स्टंट करता रहता है, लगता है अपनी जान देकर ही रहेगा एक दिन। ठीक हूँ भाई, ठीक हूँ। ब्रेक फेल हो गया था यार। हाँ हाँ यार, thank you।
रीना बिटिया के बारे में तो सुन लिया होगा क्या? लीजिए, सारा शहर चर्चे कर रहा है उसके बारे में और आप पूछ रही हैं क्या बात है। लेकिन हुआ क्या? अजी अपनी बेटी रीना उस घटिया स्टंटमैन के प्यार में इतनी पागल हो गई है, उसे आपकी इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं। खुले आम रास्ते पर घूम रही है उस स्टंटमैन के साथ। आप यहाँ डालिए। लेकिन स्टंटमैन करता क्या है? लीजिए, आपको नहीं मालूम स्टंटमैन क्या करता है? स्टंटमैन वो आदमी होता है जो हर कदम पे अपनी जान खतरे में डाल देता है। क्या? क्या? गाड़ी पर गाड़ी चढ़ा देता है, आसमान से कूदी मारता है सीधा पानी में। इतना ही नहीं मालकिन जी, अपने बदन पर पेट्रोल छिड़कता है, अपने आप को आग लगाता है और फिर मोटरसाइकिल पर बैठ जाता है। ओह माय गॉड। अजी गॉड, बेचारा क्या करे, पापी पेट के लिए उस बेचारे को ये सब कुछ करना पड़ता है। और हमारी रीना बिटिया इस महान बड़े घर की वारिस उस बेवकूफ से प्यार करती है, वो किसी मिनट भी ऑफ हो जाए। लेकिन इस बात का ख्याल तो रीना को होना चाहिए। तुम लोग जाओ यहां से। मालकिन जी, आप इन बिचारियों पर क्यों नाराज हो रही है? आप ही कुछ समझाइए ना रीना बिटिया को, वरना सारी उम्र भर रीना बिटिया को रोना पड़ जाएगा। अजी मां होने के नाते कुछ तो फर्ज बनता है ना आपका। देखिए, नहीं तो वो आपका घर जमाई बनकर सारी दौलत हड़प कर जाएगा। वो स्टंटमैन आ गया, आप समझाइए, मैं चलता हूं।
ये मेरी मम्मी है। मम्मी इनसे मिलिए बजरंग। ठीक है ठीक है। देखा था तुम्हें पार्टी में, सुना है तुम्हें कलाबाजियां करने का शौक है। जी। मेरा बेटा विजय, उसे भी मोटरसाइकिल स्टंट करने का शौक है, और तुम्हारा दोस्त भी बन गया है। जी। उसे समझाते क्यों नहीं बेटा कि इतना सारा पैसा दौलत होते हुए ये सब करने की क्या जरूरत है। ठीक है। कम ऑन मम्मी, समझा देंगे हम, चलो। देख लिया मालकिन जी। मम्मी को विजय की बहुत फिक्र रहती है, वैसे बिजनेस वो अच्छा संभाल लेता है, लेकिन कलाबाजी करने का बहुत शौक है। इसलिए तो मम्मी फिक्र करती हैं, क्योंकि डैडी की मौत भी कार एक्सीडेंट में हुई थी। हम तीनों ही तो हैं इस घर में। अरे हाँ, कैसा लगा हमारा घर? बहुत अच्छा, तुम्हारी तरह। अब मेरे घर चलोगी? हाँ, कब ले जाओगे? राइट नाउ। घर में तो कोई भी नहीं है, तुम्हारे मम्मी डैडी कहाँ हैं? मम्मी बचपन में गुजर गई, पिताजी सर्कस में मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते हुए एक्सीडेंट हो गया, वो भी गुजर गए। बजरंग, तुम्हें तो पता है कि कलाबाजी करना कितना खतरनाक है, फिर क्यों करते हो? रीना, जिंदगी ही एक स्टंट है, और फिर खतरों से खेलने की आदत है मुझे, यू नो दैट। कुछ भी हो सकता है इंसान की जिंदगी में, कुछ भी, छत गिर सकता है, जमीन फट सकती है। पर तुम मुझे यहाँ किसे मिलाने लाए हो? यहाँ मैं तुम्हें अपनी गरीबी से मिलाने लाया हूँ, जो बचपन से मेरे साथ है। देखो रीना, तुम बहुत अमीर लड़की हो, इतने से छोटे से घर में, ऐसी बस्ती में तुम रह पाओगी? सच सोच लो, प्यार में सब कुछ अच्छा लगता है, जिंदगी हवा पानी पे भी गुजर जाती है, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। मुझे भी तो नहीं लगती। अच्छा? हाँ। I love you darling, I love you, I love you, I love you so much. चूहे भी हैं, कॉकरोचेस भी हैं, पानी के कीड़े भी हैं, सांप भी है, और फिर ये घर भरेगा। इससे भी ज्यादा बुराई आ सकती है, झोपड़े में भी जा सकते हैं, सोच लो। सोच लिया। मुझे तुमसे और तुम्हारे हर चीज से प्यार है। मामी, रीना कहाँ गई थी? बजरंग के घर। देखा है घर? हाँ। हमारे घर से ज्यादा अच्छा है? अच्छा बुरा तो मैं नहीं जानती मम्मी, मगर मगर उसका घर घर है, जहाँ जाकर रहने जहाँ क्या जहाँ रहने का और सारी जिंदगी गुजारने का मैंने फैसला कर लिया है। फैसला कर लिया? और मुझसे पूछे बिना? मगर ये शादी नहीं होगी। क्यों क्यों नहीं होगी शादी माँ? क्योंकि बच्चन गरीब आदमी, क्योंकि उसके पास हमारी जितनी दौलत नहीं है। वो लालची है, हमारी दौलत हड़प करने के लिए उसने रीना को जाल में फंसाया है। नहीं मम्मी, ये झूठ है। अगर ऐसा होता तो बजरंग शादी के बाद यहाँ आकर रहना चाहता, पर उसने यहाँ रहने से साफ इनकार कर दिया। बल्कि उसने तो कहा कि शादी के बाद मुझे उसके घर जाकर रहना होगा। मम्मी, उसे पैसों से कोई गरज नहीं है, वो बहुत खुददार आदमी है। मतलब तुम जाकर उसके झोपड़े में रहोगी? ओ कम ऑन माँ, उन दोनों को साथ जिंदगी गुजारनी है। कल के तुम्हारे पसंद से रीना ने शादी कर ली और नहीं बनी तो? माँ जमाना बदल गया है। ठीक है, जैसा तुम दोनों ठीक समझो।
आपका भी तुतु तुरिया करा दूं। अरे नाचो गाओ खुशियां मनाओ। चुप चुप चुप। अरे तेरे जैसा एक पैदा करके मैं पछता रहा हूं। कई तीन चार और पैदा हो जाते ना तो ये देश बर्बाद हो जाता, बेड़ा गर्क हो जाता। तुझे देखकर मेरा दिल जलता है। दिल तुझे तुझे मालूम है वो रीना शादी का प्रोग्राम बना रही। कौन है वो? अरे वही दो टके के आदमी के साथ जिसने तुझे मोटरसाइकिल रेस में हराया था। अरे तुझे कितनी बार समझाया जाके रीना से मिल, उससे अच्छी अच्छी बातें कर, अपने रिलेशन बना उसके साथ। अरे क्या कमी है उसमें? जवान है, खूबसूरत है, करोड़पति है वो, करोड़ों में खेलता तू। लेकिन नहीं, तुझे तुझे ये नरक पसंद है, ये दो टके के लोगों की जूठन पसंद है। जा 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 हमके पास जा, मैं जा रहा हूं। सूर्या गंजो, वो प्रेमों की जोड़ी उस पतली गली से निकलने वाली है। तुम उनकी ऐसी बारात निकालो कि वो सात फेरों के लिए भी खड़े ना हो सके, और अगर टपक जाए तो चिंता मत करना। ये कौन है? शादी में बहुत लोग आएंगे, मिनिस्टर्स, एग्जीक्यूटिव, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन। बहुत बड़ी शादी होगी, बड़ी धूमधाम से होगी। बारात में सारे मेरे टपोरी दोस्त लोग आएंगे, सोच लो। पापा, 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 पापा।
आज से इस सजी हुई गाड़ी में अपना नया सफर शुरू करें। मम्मी, आज के लिए हमने कुछ और सोचा हुआ है। All right, girl, आ गया तुम्हारा रिश्ता। मुबारक हो भाभी। अरे आवाज देखो, शादी कर ली। अरे शादी कर ली क्या बेटे? कर ली। अरे दरवाजा खुला है। अरे भागो रे, हिलाता ना कर मिटाए। हाँ चल। ये हंस क्यों रहे? और क्यों, ये सोच कर कि अंदर क्या हो रहा होगा। सोच लो। सोच लिया। हेलो। उफो। ओए रीना, ये रीना आग लगी क्या? रीना वे, ओ हो, आतिश शुरू हो गई। माय हाउसवाइफ, आर यू लुकिंग लवली? ओह माय गॉड, माय वाइफ। देखो कोई दरवाजा खटखटा रहा है। दस माय हार्ट बीट। ओह देखो ना, कोई आया है। अभी आया भी। अरे शर्ट तो पहन के जाओ। अरे क्या शर्ट वर्ट, बीवी मेरी, घर मेरा। ए बाप का राजे क्या? अरे दरवाजा तोड़ देगा क्या? खुलता हूँ। बड़े मालिक नमस्कार। बड़े मालिक कौन? वो आप मच्छर। ये गलियों के मच्छर भी बड़े सयाने हो गए हैं सरकार। दिन दहाड़े खून चूस लेते हैं। छोटी मालकिन जी। हाँ छोटी मालकिन के लिए मैं वो मच्छर। अरे सरकार, सरकार दरवाजा खोलिए। सरकार मेरी बात तो सुन लीजिए। कौन है जी? बाराती है सरकार। चाय बना तो। अरे क्या देख रहे हो? अरे मालकिन, आपके घर में स्टोव जलाने के लिए माचिस नहीं है क्या? एक दिन में आपने अपनी कैसी शक्ल बना ली है, जरा देखिए तो। यहाँ क्यों आए हो? अरे वो बड़ी मालकिन ने आपके लिए सामान भेजा है। वैसे इतने छोटे घर में इतना सारा सामान रखने की जगह होगी आपके पास? आइंदा जब तक तुम्हें बुलाया ना जाए यहाँ बताना, अंदर रख दो सामान। अरे मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, डालो ना सामान अंदर। अंकल अंकल चॉकलेट लाओ। हटो हटो, पीछे हटो। अरे मत लगाओ मुझे, मच्छरों की तरह पीछे पड़ गए हो। उन तो सोगे क्या? टंगड़ी मारते है कोई। स्टोव से मालकिन, स्टोव से। या अजी, मैं भी गरीब हूँ, मैं कौन सा अमीर हूँ, लेकिन इतनी गरीबी मालकिन के घर में स्टोव जलाने के लिए माचिस नहीं खरीद सकते वो लोग। अजी रीना बिटिया की शक्ल कोयले से भी ज्यादा बदतर हो गई है। ऐसे ये देखिए, बिल्कुल ऐसे। पता नहीं क्या जरूरत थी उनको, इस आलीशान घर को छोड़कर चली गई। अंकल वो सुखी है या दुखी, तुम्हें इससे क्या? तुम नारद मुनि का काम क्यों कर रहे हो? जाओ वापस जाओ, मैं आ रहा हूँ। विजय बेटा, तुम जाके रीना को देखा। माँ,
रीना को अगर कुछ तकलीफ होगी तो हमें आकर बताएगी। समझदार है, पढ़ी लिखी है। तुम किसी के बहकावे में आके कुछ उल्टा सीधा मत सोचो। उन्हें अपनी जिंदगी जीने दो माँ, और फिर किसी का घर एक दिन में थोड़े ही बनता है। इतना बड़ा घर छोड़कर एक मामूली आदमी से शादी कर ली। गणपति बाप्पा। बजरंग मुबारक हो, आपको बेटी पैदा हुई। ये मैं मामा बन गया। नर्स, ये 1000 रुपए लो और हॉस्पिटल में सबको बांट दो। आई लव यू।
बिल्कुल मेरे जैसी लगती है ना माँ। हाँ। माँ सुबह सुबह क्या सोच रही हो? ये गिफ्ट, प्रेजेंट, ये किसके लिए? बेटा मैं रीना और बजरंग के बारे में सोच रही हूँ। आज गुड्डी एक साल की हो गई है। आज उसका जन्मदिन है तो भूल गया? ओ माँ मैं भी कैसा मामा हूँ, आज तो घर में पार्टी होनी चाहिए। बिल्कुल, मैंने भी बहुत सारे बच्चों को बुलवाया है और अब मैं जा रही हूँ रीना के पास उन दोनों को शाम को यहाँ लाने। तू भी जल्दी लौटना। श्योर माँ, आ जाऊंगा मैं। बाय। भाभी गुड्डी का जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू। शाम को हम लोग आ रहे हैं खाने पर। हाँ हाँ जरूर आना। अरे मम्मी, मम्मी तुम कब आए? अभी। आज गुड्डी का जन्मदिन है ना? हाँ। इसका जन्मदिन घर पे मनाएंगे, बड़े बड़े लोगों को बुलवाया है, खूब धूमधाम रहेगी। तुम चलो मेरे साथ। मम्मी वो मैं भी तो गुड्डी की नानी हूँ। नहीं वो ये है कि यहाँ के बच्चों के लिए भी एक छोटी सी पार्टी रखी थी। ये सामान सब यहां रख दो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। दीदी ये कैसा लग रहा है? अरे तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा सजा दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। All right, baby, Papa's come. Hey, baby, happy birthday. Hi, beauty. क्या बात है? क्यों अपसेट है? वो मम्मी आई थी। गुड्डी का बर्थडे वो अपने घर मनाना चाहती हैं। उन्होंने कुछ बड़े बड़े लोगों को बुलाया है। तो क्या हुआ? नानी है, बुलाएगी ना। हम लोग ऐसा करते हैं कि बस्ती के बच्चों के साथ बर्थडे यहाँ मना लेते हैं, उसके बाद मैं वहां आऊंगा, तो चली जाना केक काट के। क्या बोलती? चली जाऊं? हाँ केक काटे। बजरंग ये मोटरसाइकिल कहाँ उड़ा रहा है? पिछले साल अमीन गनी ने रिकॉर्ड सेट किया था। हाँ 30 फीट हाइट और 180 फीट चौड़ाई। अच्छा इसीलिए प्लानिंग हो रही है, लगता है तुम भी रिकॉर्ड तोड़ने के चक्कर में हो। सोच रहा हूँ। जीजा है, जीजा जानती हो अच्छे अच्छे स्टंट्स करता है वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। तू कर सकता है क्या? कोर्स कर सकता हूँ। चल नहीं यार, तू क्या करेगा? देखना चाहते हो? अभी दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अभी आया। I'll be back right. आई जीज शाम को पार्टी में आ रहा है ना? आ शोध भाई यहाँ क्या कर रहा है? यार दोस्तों को इम्प्रेस करना है, लड़की का चक्कर है यार, शादी का चक्कर है। जीजा मुझे एक चांस दे दे प्लीज। तेरे को मालूम है तेरी बहन भड़कती इन सब बातों पे। She doesn't like stunts. यार रैंप तक जाऊंगा, जंप नहीं लगाऊंगा। प्लीज आई प्रॉमिस यार, लास्ट टाइम एक चांस दे दे प्लीज यार। प्लीज जीज लड़की का चक्कर है यार, कम ऑन जी। यार तू पागल है। प्लीज या दैट्स गुड, जम नहीं मारना। ए उड़ाना मत। ओके गो इजी। या ओके। ये तो गलत आदमी उड़ गया। तो तू तो रिया
कलाबाजी करते हुए छोटे बाबू का एक्सीडेंट हो गया। हम बर्बाद हो गए। को इंप्रेस करना है, लड़की का चक्कर है यार, शादी का चक्कर है जीजा, मुझे एक चांस दे दे प्लीज यार। रैंप तक जाऊंगा, जंप नहीं लगाऊंगा, प्लीज आई प्रॉमिस यार, लास्ट टाइम एक चांस दे दे प्लीज यार, प्लीज जीज। गलती हुई, शिकार गलत हो या सही हो, शिकार आकर शिकार ही होता है। जो कुछ हुआ है उस मनुज बजरंग की वजह से हुआ। मैंने लाख मना किया था आप लोगों को कि रीना बिटिया की शादी उससे मत कीजिए, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। विजय बाबू को मार दिया गया है, मालकिन मार दिया गया है। ये झूठ है मम्मी, ये झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ नहीं है रीना बिटिया, आप लोगों की दौलत हड़पने की साजिश है इसमें। साजिश? जी हाँ, साजिश। बजरंग ने जानबूझकर विजय बाबू को वो खतरनाक कलाबाजी करने के लिए कहा, जिससे उनकी जान चली गई। वरना वरना आप ही बताइए, विजय बाबू को ये कलाबाजी करने की जरूरत क्या थी? और एक बात, आपने एक जवान बेटे को तो खो दिया है, लेकिन इस जवान बेटी को मत खोइएगा। सारी जायदाद की मालकिन ये बन चुकी है, और वो बजरंग जो है ना, वो मनुज बजरंग इन्हें भी मार डालेगा। इससे पहले कि वो इन्हें मार डाले, अब मैं हाथ जोड़कर कहता हूं मालकिन, आप उससे तलाक ले लीजिए। हो गई शांति, मिल गया दिल को सुकून, मेरे बेटे का खून करके। खून? अरे खून नहीं तो क्या है, तुमने उसे इतना खतरनाक खेल क्यों खेलने दिया? अरे हम लोगों ने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, मेरी बेटी ने अपना सब कुछ छोड़कर इस भिखारी के साथ शादी की, तो तुमने उसका ये सिला दिया, मेरे बेटे को छीन लिया। रीना, ये सब क्या हो रहा है? It was an accident यार। अच्छा एक्सीडेंट अभी बोलता है, एक्सीडेंट बोलता है, देखा मालकिन, बोलता है एक्सीडेंट हुआ था। अबे साफ साफ क्यों नहीं बताता कि विजय को तूने खुद मारने का प्लान बनाया था, ताकि तू जायदाद हराम कर सके। तुम अभी इस घर के मालिक नहीं हो, समझे? किसी पर रौब मत झाड़ो, निकल जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ निकल जाओ। रीना, रीना मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। रीना तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। माँ, रीना, रीना। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती, निकल जाओ। गुड इवनिंग मिसेस लोत्रा। आइए इंस्पेक्टर साहब बैठिए। थैंक यू। विजय के कातिल का कुछ रिपोर्ट के मुताबिक विजय की मौत विस्फोट से हुई है, हमने विजय के कातिल को तलाश करने की पूरी कोशिश की है,
समझ में नहीं आता कि शक किस पे करें, कहीं आपकी किसी से जाती दुश्मनी तो नहीं है? ऐसे प्लान केस पर मुजरिम को पकड़ने में वक्त जरूर लग जाता है। चाय लेंगे आप? नो थैंक यू, मैं चलता हूं। नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। क्यों? कहां ले जाओगे? उस झोपड़े में? वो घर नहीं नर्क है। और तुमने क्या सोचा कि उस गंदी बस्ती में जहां इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह रहते हैं, तुम्हारी बच्ची पल जाएगी वहां? रीना, मैं बाहर इंतजार करूं। बजरंग से कह दो कि वो यहाँ आकर रहे। आखिर इस जायदाद की मालकिन तुम हो, तुम्हारी बेटी है। अगर वो एक कोने में कुत्ते की तरह पड़ा रहेगा तो उसे भी कुछ दे देंगे। मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ। तुमने एक निकम्मे आदमी से प्यार किया, शादी की, मैं चुप रही। अब अगर मैं चुप रही तो तुम्हारी और गुड्डी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम भी चली गई तो मेरा क्या हाल होगा, ये सोचा है तुमने? विजय नहीं रहा, अब तुम्हारे और गुड्डी के सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? जाओ जाओ, उसको जाकर कह दो कि अगर वो चाहे तो यहाँ आकर रह सकता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। जाओ रीना। बजरंग, तुम यहाँ आकर रह जाओ ना। ये तुम चाहती हो या तुम्हारी माँ? हम मैं कोई पालतू कुत्ता नहीं जो जो अपनी बीवी के टुकड़ों पर पलूं। मैं घर जवाई नहीं बनना चाहता। अगर तुम चलती हो तो चलो, मैं बार बार यहां नहीं आऊंगा। क्या खिलाएगा तुझे? आज तक क्या दिया है तुझे उसने? तेरे भाई को खा गया, उसी ने सिफारिश की थी ना। जब वही नहीं रहा तो इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। अगर तुम लोगों का मुझसे कोई रिश्ता नहीं तो मेरी बच्ची मुझे वापस करो। हाँ हाँ, ले जा अपनी बच्ची को। अरे चार दिन अपने पास रखेगा ना तो समझ जाएगा, बच्चा पालना कोई आसान काम नहीं। हेलो बजरंग, गुड्डी कहाँ है? बाजू वाले के घर में सो रही है। बजरंग, तुम गुड्डी को लेकर यहाँ आ जाओ प्लीज। मैं उस घर में कुत्ते की तरह बंद नहीं रहना चाहता। बजरंग, मम्मी ने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि वो समझती हैं विजय की मौत के जिम्मेदार तुम हो। सारी दुनिया यही समझती है। और तुम क्या समझती हो? तुम गुड्डी को लेकर यहाँ आ जाओ। मैं पूछ रहा हूँ, तुम क्या समझती हो? बजरंग, बजरंग, I hate you, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैंने तुमसे प्यार किया, शादी की, ये मेरी बेवकूफी थी। तुम झोपड़पट्टी के रहने वाले हो, वहीं रहोगे और हमेशा वहीं रहोगे। तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, कितनी कुर्बानियां दी मैंने तुम्हारे लिए। अपना घर छोड़ा, अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे झोपड़े में आकर रही, जैसा रखा वैसे रही, शिकायत तक नहीं की मैंने। लेकिन आज मैंने अपना भाई खो दिया। अब भाई भी नहीं है मेरे पास। अब मैं अपनी माँ को नहीं खो सकती तुम्हारे लिए। अब मैं तुम्हारे लिए और कोई कुर्बानी नहीं दे सकती हूँ। तुम्हें गुड्डी को लाकर यहाँ रहना होगा। डू यू अंडरस्टैंड?
बजरंग। मम्मी बेटा बजरंग, ये गरीब लोग अमीर घर की लड़कियों को पता नहीं कैसे फंसा लेते हैं। सुनिए जी, जी बजरंग जी घर पे नहीं है, कहाँ गए? पता नहीं भाभी कहाँ चला गया, बहुत दिनों से ताला लगा है, कुछ बता के नहीं गया। बजरंग घर से निकाल दिया गया है, ढूंढो कि वो कहाँ है, अगर मिल जाए तो ठीक है, और अगर ना भी मिले तब भी ठीक है। मम्मी मैंने गुड्डी को हर जगह ढूंढा, मैं बजरंग के घर गई, पुलिस स्टेशन गई, अखबार वालों के पास, टीवी, उसे हर जगह ढूंढा, मगर गुड्डी कहीं नहीं मिली, वो नहीं मिली। मुझे क्या पता था कि वो ऐसा करेगा, मैं तो ये समझी थी कि दो दिन के अंदर वो वापस आ जाएगा। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ मेरी गुड्डी चाहिए मम्मी, मुझे गुड्डी ला दो, मेरी गुड्डी ला दो। आराम चलो। अरे संभाल के, सीढ़ी टूटी है। ये अपने मोहल्ले का हरक्यूलिस है, बजरंग बली का भक्त है। सलाम भाई। अरे बच्चा लोग स्कूल जा रहे हैं। आओ आओ बजरंग भाई, आओ। हाँ ये अपना बंबई शहर भी अजीब है, इसमें पांव रखने की जगह नहीं है, लेकिन मस्तान भाई के दिल में बंबई शहर की तरह बहुत जगह है, समझे? रोज इस शहर में 10,000 आदमी लोग आते हैं और बंबई शहर उनको हजम कर जाता है, और फिर दूसरे दिन 10,000 आदमियों के लिए उसके पेट में जगह हो जाती है। ये है रामनगरी। आओ 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 बजरंग भाई, आओ देखो, ये है तुम्हारी खोली, ये शानदार खोली, तुमने देखा इधर ना दरवाजा है ना खिड़की, लेकिन बिंदास ये रामराज है, रामराज। नहाने के लिए कॉमन नल है, नल 24 घंटा, पानी 4 घंटा, कॉमन संडास है, सुबह जल्दी जाएगा तो चांस लगेगा, नहीं तो दोपहर तक रुकना भी पड़ सकता है, समझे? हाँ, और इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटा, सांस लेने के लिए खुली हवा, ये खिड़की से लो या ये खिड़की से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे बेगम एक कप चाय भेजना जल्दी। अजी साहब का आपको संभाल रही हूँ, जरा ठहरिए। अरे तो ये 8वां आ गया ना, उसके लिए भेजना चाय। सात बच्चे क्या है बजरंग भाई, अभी कोई काम काज नहीं होता है तो और कोई टाइम पास भी तो नहीं है ना, इसलिए। आजकल अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलना कितना मुश्किल हो गया है। हाँ, हजारों रुपए डोनेशन देना पड़ता है। यस मिस्टर बजरंग, बैठिए। मैंने आपका एडमिशन फॉर्म पढ़ा है मिस्टर बजरंग तिवारी। थैंक यू वेरी मच। आप कितना पढ़े लिखे हैं? बीए मैम। ओह, बड़ी प्यारी बच्ची है आपकी। बेटे आपकी मम्मी कहाँ है? अपने घर में। देखिए मिस्टर तिवारी, हमारे स्कूल में एडमिशन के लिए 10,000 डोनेशन देना पड़ता है, क्योंकि स्कूल का खर्चा है काफी। ठीक है, कल स्कूल की फीस, यूनिफॉर्म और बाकी खर्चा जमा करवा दीजिए, आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर बजरंग, क्या ये सच है कि 140 की स्पीड से आप दीवार से टकराएंगे? यू नो ये खेल बहुत खतरनाक है, इसलिए आपकी जान भी जा सकती है। बच भी सकता हूँ। ऑल द बेस्ट। देखिए मिस्टर तिवारी, हमारे स्कूल में एडमिशन के लिए 10,000 डोनेशन देना पड़ता है। ठीक है।
सुनिए, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? इट्स ओके। कहाँ देखने को मिलेगा ये प्रोग्राम? आजकल बजरंग टीवी में सॉफ्टवेयर नहीं है, जी टीवी, एम टीवी, दुनिया भर के टीवी आ गए हैं। लोगों की पसंद भी बहुत बढ़ गई है और पब्लिक को क्या है कि आजकल एक्साइटिंग और थ्रिलिंग प्रोग्राम देखने की आदत पड़ गई है। गुड शॉट यार। थैंक यू, जरूर बड़ी तो बुला रहे हैं। जरूर बुलाऊंगा यार। या अच्छा आदमी। जल्दी करो ना पापा, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। हाँ बेटे, मुर्गी ने अभी अंडा दिया है, नाश्ता बनाओगे? नहीं पापा। अरे गुड्डे, मैं आ रहा हूँ शाम को, बस में मत आना। ओके। ए गुड्डी, 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 गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ध्यान लगा के पढ़ना। हाँ। नंबर वन आना। हाँ। जाओ। बाय। ए बजरंग। हाँ क्या हुआ? ए बजरंग। हाँ। आज से तेरे बेबी का टेंशन खत्म हो गया। कैसे? अरे गुड्डी गई ना स्कूल। अबे टेंशन अभी शुरू हो रही है, बड़ी हो रही है। चलो चलो डाली, चलो। गुड्डी, तुम्हारी मम्मी नहीं आई? सॉरी सॉरी यार, लेट हो गया। सॉरी भाई। सॉरी यार, बस का टायर पंचर हो गया। पूरी आलू पसंद है ना, बनाया हूं। चल उसमें रोने की क्या बात है? चल चल चल, गरम गरम खाना खिला। चल चलो बच्चों, तुम सब एक एक चिट्ठी उठा लो और जिसकी चिट्ठी में भी गुड्डी लिखा होगा वही केक काटेगा। अच्छा, अरे हाँ, हाँ। तुम्हें केक काटो। फूंक मारो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू पापा ने ना मोटरसाइकिल रेस में बहुत सारे मेडल्स जीते हैं,
तुम लोग मेरे पापा के मेडल्स देखने चलोगे? सब चलेंगे तेरे पापा के मेडल्स देखने। ये सब मेडल्स मेरे पापा ने मोटरबाइक रेस में जीते हैं। कैसे हैं? वाव, ये तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की तरह चमक रहे हैं। ये सब मेडल्स तेरे पापा ने एक साथ जीते हैं क्या? नहीं, अलग अलग रेसेस में जीते हैं। लेकिन ये यहाँ क्यों है? इन्हें तो तुम्हारे घर में होना चाहिए। अंकल अंकल, ये मेडल यहाँ क्यों है? बेटे, मैं ये तुम्हारी डैडी से मांग के लाया हूँ। दरअसल मैं इन मेडलों को यहाँ पे रखता हूँ, साफ सफाई करता हूँ, चमकाता हूँ, ताकि पूरी बस्ती वाले लोग इन मेडलों को देखते रहे। तुम्हारे डैडी के मेडलों को दुकान पे रखता हूँ ना, तो मेरी दुकान की इज्जत बढ़ जाती है। अंकल, पापा से कहकर ये सब मेडल्स मैं अपने घर ले जाऊँ? गुड्डे, पापा देख, तेरे लिए लाया हूँ। हम मेडल्स देखने आए थे। ये तेरा मेडल। चलो बच्चों, पपी दे दो, चलो। ओ बजरंग। हाँ, इधर आ यार। पीना क्या? नहीं, मैं पी के आया। कौन? अच्छा सुन, हाँ ये अपना दोस्त है बिल्लू। नमस्कार, क्या बोलते ब्रो? पहले सर्कस में काम करता था, लेकिन आजकल क्या है, टीवी में लोग सर्कस देखते हैं, इसलिए बेचारा बेकार है। लेकिन इसने एक अच्छा प्रपोजल लाया है, एक एडवर्टाइजमेंट फिल्म है ना, तो उनको स्टंटमैन का जरूरत है, तो मैं बोला अपना बजरंग भाई है ना। जास्ती कुछ करने का नहीं है, वही जगह पे मोटरसाइकिल को टर्न मारने का और जंप कराने का, यही सब है, और कुछ नहीं है। और मैं क्या बोलता हूँ, कर लेना यार, राशन का खर्चा निकल जाएगा, बच्ची की फीस आ जाएगी, है ना? और अपना भी 10 दिन का राशन आ जाएगा। बैठना यार आराम से। आजा आजा बेटे, इधर आ बेटे। पापा मैं भी चलूंगी। हाँ, इसको भी लेके जाना, 5-स्टार होटल में शूटिंग है, इसको आइसक्रीम आइसक्रीम खिला, बच्ची भी खुश हो जाएगी। और सब अकाउंट पे? अकाउंट पे ना, बिल्कुल। थैंक यू अंकल। वाह क्या किस है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम टॉप इंडस्ट्री में धमाका करने जा रहे हैं, और ये धमाका करेंगे हमारे खास कलाकार। पढ़ाने के बाद तेरे को ये सब ड्रेसेस दिलाऊंगा? नहीं पापा, मुझे भी शो देखना है। बहुत भीड़ होगी बेटे, बहुत लोग होंगे वहाँ। आने के बाद मैं तेरे को आइसक्रीम खिलाऊंगा, ओके? तो यही रोक अभी आधे घंटे। ऑल द बेस्ट। आता हूँ, ओके। ये जो नया धमाका पाउडर है ना, इसमें वाइटनेस है, फ्रेशनेस है और गुडनेस है। ये कपड़ों के साथ साथ इस तरह आदमी को भी थोड़ा डालता है। एक्सक्यूज मी, हेयर पिंस चाहिए। दुकान पर और कोई नहीं? मैं हूं ना, क्या बात है बोलिए। तो दुकान आपकी है? नहीं, मैं तो यहाँ अपने पापा का वेट कर रही हूँ। कहाँ है आपके पापा? अंदर शो करने गए हैं, पैसे मिलेंगे ना स्कूल की फीस के लिए। एक्सक्यूज मी मैडम, वो शो का टाइम हो गया, चलें? आप लोग टमाटर और चल जाओ चुल्ली पे। अरे अरे गुरु, अरे गुरु, टमाटर अंडे शुरू। हाँ गुरु, अरे खाने के पसंद है। अरे काले टमाटर अंडे, बाल भाई वाटर से धुलाई तो होने वाली है। अरे बच, अरे 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 बाप रे, लगता है पब्लिक का घर से सोच के लिए गुरु, आज का दिन बहुत खराब है यार तू। अरे गुरु, थैंक यू, थैंक यू। चल चल चल। बजरंग। कौन बजरंग? मैं। आजकल पैसे कमाने के चक्कर में लोग अंडे टमाटर तक खा लेते हैं, जूती चप्पल भी खा लेते हैं। हाँ।
बजरंग साहब, एक बहुत अमीर औरत आई है जो अपनी बच्ची से मिलना चाहती है। बहुत बेचैन है, बच्ची खो गई थी ना, वहां है वो मिलना क्या है। आइए बजरंग साहब, बहुत माल मिलेगा, एक बार बच्ची को अपनी मां से मिलने दीजिए, माला माल हो जाएंगे। ऊपर कमरे में बैठी है वो, मिलवा दीजिए। पैसे के चक्कर में कोई भी आदमी अपना ईमान बेच देता है यहाँ पे। मेरे दोस्त की बहन आई हुई, थोड़ी सी पागल है, तू जाकर उसे मिल ले, वो तुझसे बहुत सारी बातें बोलेगी, रोएगी धोएगी, बहुत सारी बातें करेगी, कहेगी तेरी माँ है, तू टाइम पास कर ले। क्या? ओके ओके पापा, मैं मुँह हाथ धोके मिलता हूँ, जल्दी आ 10 मिनट में। आंटी कितनी बड़ी हो गई हो तुम, कितनी बदल गई हो गुड्डी, इतने सालों में तुम्हें कभी भी अपनी मम्मी याद नहीं आई? आंटी मेरी तो मम्मी नहीं है। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, तुम्हारे पापा ने तुम्हें बताया नहीं? हाँ उन्होंने कहा था आपके साथ 10 मिनट टाइम पास करूं। गुड्डी ये टाइम पास नहीं है, मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ। तुम्हें पता है हर साल तुम्हारा बर्थडे मनाती थी, तुम्हारी यादों तुम्हारे ख्यालों को दिल में सजाकर तुम्हारे लिए तरसती रही, तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए, तुम्हें गले लगाने के लिए। आई लव यू गुड्डी, आई लव यू। आंटी टाइम पास हो रहा है। ये चेक लो, बैंक से पैसे निकाल लेना और पापा को दे देना, अपनी स्कूल की फीस और जो चाहिए खरीद लेना, ठीक है? थैंक यू आंटी। गुड्डी गुड्डी जाने से पहले एक बात मेरी मानोगी, मुझे माँ कह दो। आंटी मेरी मम्मी होती तो बिल्कुल आपके जैसी होती, यू आर सो स्वीट आंटी, बाय। जाओ पता लगाओ ये कहां रहता है, जाओ। रीना, रीना बेटी, रीना बेटी क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? माँ गुड्डी मिल गई। क्या? माँ गुड्डी मिल गई, गुड्डी मिल गई, बजरंग भी मिल गया माँ। कहाँ मिले बेटा? मैं जिस शो के लिए गई थी वहाँ बजरंग एक तमाशा बना हुआ था, गुड्डी भी उसके साथ थी। क्या कहा उसने? कहता क्या, उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, मेरी बच्ची ने भी मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। कैसे पहचानती वो तुझे, एक साल की थी जब वो उसे अपने साथ ले गया। एक मिनट, बजरंग हमारी जिंदगी में दोबारा आ गया है, उसकी मुलाकात हुई रीना से, रीना उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाई लेकिन उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी। मैंने अपना आदमी भेजा था, उसका पता लगा लिया है, नेहरू नगर के झोपड़पट्टी में रहता है वो। पापू पिछली बार की तरह इस बार गलती नहीं होगी। जग्गू जगे नेहरू नगर, आदमी का नाम बजरंग। रघु भाई इस फसाद में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया,
मेरा घर चल गया, मेरी दुकान उठ गई, ये भाजी तैयारी का धंधा मैंने अभी भी शुरू किया मालिक। ये कहानी किसी नेता को जाके बोलना जो अब फसाद के बाद तुम लोग के चक्कर लगाते हैं। अपने पास फालतू का टाइम नहीं है, चल हाथ निकाल। बनने को नहीं आया हूं, फिर भी आप लोगों को एक बात समझा दूंगा। अगर आप सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बन के रहोगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आप ही के बस्ती में आकर आप ही के जेबों में हाथ डाले। बजरंग भाई जिंदाबाद, बजरंग भाई जिंदाबाद, बजरंग भाई जिंदाबाद। अरे भाई लोग, ये अपना नवा भाई है आज से। बजरंग, मैं सुना जब तक मैं मार्केट गया पाना लेने के लिए तब तक तू हाथ से नट बोल्ट टाइट कर दिया। देख आजकल के मुंडों का रंग देख। अम्मा देख आ देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, देख देख आ देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। अम्मा देख आ देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, छोटे बाल कटा दे, इसको हिंदी बोल सिखा दे, टीवी वीडियो बंद करा दे, कॉलेज का रास्ता दिखला दे, डिस्को में जाना रुकवा दे, होटल में खाना रुकवा दे, नंगी गुड़ी कोई दिखला दे, जल्दी से शादी करवा दे। अम्मा दे आ दे तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, दे 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 आ दे तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। अम्मा दे अम्मा देख 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 मुंडा बिगड़ा जाए। We'll be right back.
just please leave us alone. What kind of a man would spend his life like a jack of all trades, master of none? Boogie, woogie, reggae, rap, rada, rock and roll and bhangra. Amma dekh, amma dekh, amma dekh, 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 dekh. Dekhe gana upar niche, bhaage gana aage piche. Bibi chakkar mein aayegi, jis pe pehre bithayegi. Bacche bacche ho jayenge, isko raste pe laayenge. Jis pe daal de zimmedari, mushkil hal hogi tab sari. Amma dekh, aa dekh, tera munda bigda jaye. Bebe dekh, aa dekh, tera munda bigda jaye. Amma dekh, aa dekh, tera munda bigda jaye. Bebe dekh. Excuse me? जी जी बजरंग तिवारी कहाँ रहते हैं? उस घर में रहते हैं, यहाँ ऊपर। आंटी गुड्डी क्या हुआ? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है बेटा। पापा डॉक्टर के पास गए हैं दवाई लाने। घर में यूडिक्लोन नहीं है? पापा ने नमक की पट्टी लगाई है। बजरंग मैं गुड्डी को अपने साथ ले जाऊं, इसे बहुत तेज बुखार है। आखिर मेरा भी तो कुछ हक है इस पर। कैसा हक? जो कुछ भी हो, मैंने उसे 9 महीने अपने पेट में पाला है, उसे जन्म दिया है, क्या मेरा उस पर कोई हक नहीं बनता? 6 साल से जब मैं पाल रहा था तब तुम्हारा हक कहां गया था? प्लीज बजरंग, अगर गुड्डी मेरे पास रहेगी तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर उसका इलाज कर सकेंगे, वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ सकेगी, उसकी बेहतर परवरिश होगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो अच्छी जिंदगी से महरूम इस तरह यहाँ झोपड़पट्टी में पले। झोपड़पट्टी में क्या बुराई है? क्या बुराई है झोपड़पट्टी में? क्या यहाँ पर इंसानों के बच्चे नहीं पलते? और अगर ये सब सोचना ही था तो शादी से पहले सोच लेती। सब बात और थी बजरंग, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझे गुड्डी चाहिए बजरंग, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। क्या मैं अकेला नहीं हूँ? गुड्डी के सिवा मेरा कौन है? कौन है मेरा? अगर तुम उसे मिलना ही चाहती हो तो यहां आकर मिलो, मैं गुड्डी से अलग नहीं रह सकता। गुड्डी बेटा मैं चलती हूँ। थैंक यू आंटी, आप आए। का? कल एक अमीर औरत आई थी, वो खरीद के ले गई। वो कह रही थी कि वो तुम्हारी गुड्डी की माँ है। मैंने सोचा कि सही चीज सही हाथों में पहुंच गई। लेकिन ये बताओ, क्या वो तुम्हारी पत्नी है? नहीं थी। थी? अब वो सिर्फ बच्चे की माँ है। रीना आखिर है तो गुड्डी की माँ, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा? अगर गुड्डी वहां जाएगी तो उसे अच्छा स्कूल मिलेगा, अच्छी परवरिश, अच्छा घर, बीमारी से दूर, वरना मेरे साथ तो बच्ची की जिंदगी कटर में गुजर जाएगी। पिकनिक पे जा रही है, टीचर ने 200 रुपए मंगाए हैं। बेटे
वो पैसे वाली औरत है ना, जो तुम्हें बार बार कहती है कि माँ कहो माँ कहो, वही तुम्हारी असली माँ है। असली माँ? हाँ बेटे, वो औरत बहुत बहुत पैसे वाली है, उसके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, बड़े बंगले हैं। मैं चाहता हूँ तुम उसके पास जाकर रहो। नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटे ये तुम्हारे अच्छे के लिए है, तुम वहां जाओगी तो तुम्हारी परवरिश अच्छी होगी, यहाँ बीमारी, यहाँ तुम्हारी स्कूल की फीस की टेंशन, यहाँ की गंदगी, मैं मुझसे और नहीं देखा जाता। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगी। बेटे प्लीज, जाना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारे अच्छे के लिए। मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना पड़ेगा बेबी। मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज बेबी, मेरी कसम है तुम्हें। कुछ तुम्हारा है, और वो नहीं तुम्हारी नानी माँ। आओ गुड्डी, मैं तुम्हें मिलाऊं। गुड्डी, मम्मी गुड्डी आ गई। हेलो नानी। स्विमिंग। वाओ, स्विमिंग पूल में कितना सारा पानी इसमें है। इसमें तैरने का बड़ा मजा आता है, तुम नहाओगी इसमें? नानी मैं तो सिर्फ एक बाल्टी पानी से नहाती हूँ। अच्छा बाबा, एक ही बाल्टी पानी से नहाना, लेकिन नहाओगी तो सही ना? आंटी, ये सब मेरे तो मेरे पापा के हैं, यहाँ कैसे आए? हाँ बेटे, ये सब मेडल्स तुम्हारे पापा के हैं, तुम्हें बहुत पसंद है ना? हाँ। इसीलिए मैं इन्हें यहाँ ले आई हूँ, अब ये यही रहेंगे तुम्हारे पास। आई लव यू आंटी। आई लव यू। वाओ, इतना सारा खाना, ये सब कौन खाएगा? तुम खाओगी बेटी। मैं अकेली? मैं भी खाऊंगी तुम्हारे साथ। हाँ, हम सब खाएंगे। आंटी, यहाँ मेरे साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं है। शाम को बहुत सारे बच्चे आएंगे, हमारी गुड्डी रानी के लिए बहुत बड़ी पार्टी करेंगे। पार्टी? नमस्ते। थैंक यू। हेलो फ्रेंड। Congratulations, here's your prize. क्या बात है बेटा? आंटी, मुझे पापा की याद आ रही है, मैं थक गई हूँ, मुझे नहीं खेलना प्लीज। चलो चलो, पहले कपड़े बदल लो। नहीं आंटी, मैं कपड़े नहीं बदलूंगी। उफ़। आंटी, ये घोड़ा यहाँ क्यों रखा है? ये घोड़ा यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि आप इस पर बैठो और ये आपको दूर सपनों की दुनिया में ले जाए। मुझे पापा के पास लेके जाएगा? अगर तुम कपड़े नहीं बदलोगे तो मैं क्यों बदलूं? मैं भी ऐसे ही सो जाती हूँ। Thank you.
पापा के पास लेके चलना, प्लीज चलना मेरे पापा के पास। ये तो नहीं चल रहा। कहाँ रहते हैं तेरे पापा? नेहरू नगर सांता क्रूज। अच्छा आजा 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 पापा। पापा मुझे बंगला नहीं चाहिए, पापा मुझे कार नहीं चाहिए, पापा मुझे सिर्फ आप चाहिए। नौकरों पर गुस्सा करके कोई फायदा नहीं, आप जाओ। मम्मी, मम्मी गुड्डी कैसे आएगी? रीना बेटे, गुड्डी ने आज तक अपने बाप का प्यार देखा है, तेरी ममता को समझने में उसे वक्त लगेगा बेटे। नहीं मम्मी नहीं, मुझे मेरी गुड्डी चाहिए, मुझे मेरी पति। रीना तेरी जब याद बहुत आती है।
आती है तेरी जब याद बहुत आती है। और एक मेडल लाके दो ना, मेरे दोस्तों में मेरा कॉलर कितना ऊपर हो जाएगा, प्लीज पापा। जैक, मैं रेस में साले ना चाहता हूँ, बंदोबस्त कर। एक मिनट। हेलो पहलवान, जरा बजरंग को फोन दे। बजरंग, तेरा फोन। हेलो, रॉकी बोल रहा हूँ। रॉकी जानना चाहता है कि तेरे साले का कातिल कौन है। शाम को बंबई की पुरानी मिल में आ जाना। रॉकी गाय बेचारा। बेचारा नहीं बेचारा, उस दिन बस्ती में सबके सामने हाथ पकड़ा तू, गरीबों का मसीहा बनता है तू। हाँ, सब लोगों के सामने तूने मुझको मारा, हत्या बंद कराएगा तू, हत्या बंद कराएगा। आज हाथ लगा, हाँ आज हाथ लगा, पहले आज लगा। चैंपियनशिप रेस में तू हिस्सा नहीं लेगा, उल्टा किसी अस्पताल में तेरी हड्डियां जुड़ रही होंगी। और वहां लेटे लेटे अखबार में मेरी फोटो देखना, चैंपियनशिप ट्रॉफी के साथ। और तू जानना चाहता है तेरे साले का कातिल कौन है? जानना चाहता है? तेरे साले का कातिल मैं हूं, मैं। उसे तो मैंने जान से मार दिया था, लेकिन तेरे को मैं जिंदा रखूंगा। तो तुरिया बस पड़े पड़े देखना मुझे चैंपियनशिप ट्रॉफी के साथ। तुरिया देख पत्र, इन लोगों से दुश्मनी मत कर। और एक ऐसा मेडल ला के दो ना,
मेरे दोस्तों में मेरा कॉलर कितना ऊपर हो जाएगा। प्लीज पापा। बजरंग, बजरंग, मैं हार गई हूँ, तुम जीत गए हो बजरंग। मैंने गुड्डी से अपने आप को मम्मी कहलवाने की हर कोशिश की, मगर वो फिर भी मुझे अंटी ही कहती है। मैं हार गई हूँ बजरंग, मैं हार गई हूँ, मुझे माफ कर दो बजरंग। मैं अभी स्टंटमैन हूँ, मेरे घर के छपड़े में आज भी छेद है, जैसे पानी कभी मेरे मुंह पे गिरता है तो कभी बिस्तर पे। चिपलक, कॉकरोच, चुचंदर आज भी मेरे साथ हैं। तुम अपने महल को छोड़कर मेरे नरक जैसे घर में रह सकोगी? सोच लो। सोच लिया। बजरंग तिवारी नंबर 7। नंबर 7 जहां कहीं भी हैं कृपया अपने आप को रिपोर्ट करें। ये दोनों जाबाज मोटरसाइकिल
रॉकी भाई बहुत पैसा लगा हुआ तुम पर, तुम्ही को जीतना है। रॉकी भाई हराम है, तुम पर बहुत पैसा लगा हुआ है। दुरिया। अरे देखो के पहचान देने के मैंने तेरे को विजय। विजय का कत्ल किया। क्या सबूत है तेरे पास? चल पुलिस स्टेशन। साला दादागिरी करता है। चल पुलिस स्टेशन। नंबर पांच फिर से बढ़ रहे हैं। नीचे नंबर 17 गिर गए।
नंबर 15 और नंबर 12 गिर चुके हैं। नंबर 7 नंबर 5 फिर से उनके आगे बढ़ने की कोशिश में है। नंबर 5 बराबर चल रहे हैं। नंबर 7 फिर से आगे बढ़ने की इन सबको खुश रखें।